नेक्स्ट टर्म इज ऑटो हार्किंस रूल. इस रूल में क्या होगा कि एटम विच आर ऑफ इवन एटॉमिक नंबर दे आर मोर स्टेबल देन द ऑड वंस. ओके, उसके बाद हम देखेंगे यूरोपियम एनोमली. तो ऐसा एक ग्राफ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसमें पहले आपकी पीक ऐसे जा रही होगी, सैंपल कॉन्ड्राइट यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे लेंथेनम ल्यूटेशियम या फिर कोई और एलिमेंट भी हो सकता है. अभी मैं यूरोपियम की बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पीक ऐसे जाके यहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है ना, और इस वाली में ऐसे जाके ये ऊपर को और ऐसे. तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव यूरोपियम एनोमली. ओके, और इसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव यूरोपियम एनोमली. अब इसका सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस इज इफ सैंपल इज हैविंग नेगेटिव यूरोपियम एनोमली तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो रॉक है उसमें जो है प्लेजियोक्लेस एब्सेंट है, अगर नेगेटिव स्पाइक आएगी. ठीक है, और जो रेजिड्यू और रिस्टाइट है उसमें क्या होगा कि प्लेजियोक्लेस बहुत भर के होगा. मीन्स एक रॉक है, ठीक है, तो उसमें जो एक रेजिड्यू होता है एक रॉक होता है, तो जो रॉक होगी उसमें तो प्लेजियोक्लेस नहीं होगा, लेकिन जो रेजिड्यू जो बच जाएगा उसमें क्या है वो प्लेजियोक्लेस जो वहाँ पे होगा वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो नाउ लेट्स सी द न्यूमेरिकल फॉर दिस जियोकेमिस्ट्री पार्ट विच आर आस्क्ड इन द गेट एग्जाम. फर्स्ट वन इज अ हाइपोथेटिकल गार्नेट पेरिटोटाइट कंपोज्ड ऑफ 60% ओलिविन, 25% ओपीएक्स, 10% सीपीएक्स, 5% गार्नेट, अंडरगोज 10% बैच मेल्टिंग डिस्क्राइब बाय दिस. वेयर एफ इज डिग्री ऑफ मेल्टिंग, डी इज बल्क पार्टीशन कोएफिशिएंट, द रेशियो ऑफ सी ई एलिमेंट इन द मेल्ट टू द ओरिजिनल रॉक विल बी. तो ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ सी ई, सी ई एलिमेंट की मेल्ट टू द ओरिजिनल रॉक, मतलब मेल्ट सी एल बाय सी ओ, ये रेशियो उन्होंने पूछी हुई है. ठीक है, अब हमें बैच मेल्टिंग का फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि हमने कर, अब इन्होंने सी एल बाय सी ओ की रेशियो पूछी है, तो के डी वैल्यू हमें क्या क्या दी हुई है यहाँ पे उसको नोट कर लेते हैं. और बल्क पार्टीशन कोएफिशिएंट का हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है, इट इज डी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला दिया हुआ है ओलिविन के लिए क्या दिया हुआ है 0.01, ओबीएक्स के लिए दिया हुआ है 0.003, सीपीएक्स के लिए दिया हुआ है 0.10 एंड गार्नेट के लिए क्या दिया हुआ है 0.02. ठीक है, तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे. तो इसके पहले इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है 60%, 25%. सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से. ठीक है, तो यहाँ पे डी आएगा 0.6 इंटू 0.01 प्लस 0.25 इंटू 0.003 प्लस 0.1 इंटू 0.10 प्लस लास्ट वन क्या दिया 5%. तो इसका होगा 0.05 इंटू 0.02. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है तो उसकी वैल्यू मैं लिख देती हूँ 0.01235. ठीक है, अब इसके बाद बैच मेल्टिंग का फॉर्मूला हमें पता है विच इज सी एल अपॉन सी जीरो वन अपॉन डी वन माइनस एफ प्लस एफ. ठीक, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई है, एफ आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10%. ठीक है, तो 10% अगर एफ दिया हुआ है तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा. तो इसको फॉर्मूला में पुट कर दो सिंपली 0.01235 वन माइनस 0.1 प्लस 0.1. तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी सी एल बाई सी ओ की जो रेशो पूछी हुई है वो आपकी रेशो निकल आएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज मॉडल अबंडेंस इन अल्ट्रामैफिक रॉक एंड द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ल्यूटेशियम इन सीपीएक्स ओपीएक्स ओलिविन एंड प्लेजियोक्लेस आर दीज. ओके, तो ये एक टेबल फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है, तो इसमें क्या पूछा है बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बताना है हमें ल्यूटेशियम का. तो ये तो सिंपल है ना, इसका फॉर्मूला है सिंपल डी इज इक्वल टू इंटू डी आई. ठीक है, तो इसको सिंपल आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है वैल्यू जो भी दी हुई है ना. ये अब यहाँ पर मॉडल अबंडेंस आपको परसेंटेज में दिया है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से. तो यहाँ पे आएगा आपका 0.45 इंटू 0.506
प्लस 0.40 इंटू 0.42 प्लस 0.10 इंटू 0.045 प्लस 0.05 इंटू 0.019। ठीक है, सो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख ले। ओके, नेक्स्ट वन इज अ सोर्स रॉक अंडरगोस मेल्टिंग, अज्यूम बैच मेल्टिंग और 5% पार्शियल मेल्टिंग हो रही है एंड बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ 0.45 द एनरिचमेंट फैक्टर Cl बाय CO ऑफ रुबीडियम एंड मेल्ट विल बी। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें Cl बाय CO की वही रेशो पूछी हुई है, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे Cl बाय CO 1/D 1-F प्लस है। ओके, तो यहाँ पे हमें डी क्या दिया हुआ, डी गिवन है विच इज 0.045 और हमें यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या दी हुई है 5%, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो ये क्या आ जाएगा 0.05। उसके बाद ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना है, 1/D यहाँ पे आएगा 0.045 1-0.05 प्लस 0.05, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी Cl बाय CO की जो रेशियो पूछी हुई है एनरिचमेंट फैक्टर वो निकल आया। ओके, सो नेक्स्ट इज गिवन दैट 18 ऑक्सीजन बाय 16 ऑक्सीजन वी स्मॉल वैल्यू इज गिवन। ओके, 18 ऑक्सीजन बाय 16 ऑक्सीजन सैंपल हूज स्टैंडर्ड वैल्यू इज गिवन विच इज 25%, तो हमें क्या निकालना है, सैंपल की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है, डेल्टा 18 ओ स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड, ओके, इक्वल्स ऑक्सीजन 18 बाय 16 सैंपल, ओके, अपॉन ऑक्सीजन 18 बाय ऑक्सीजन 16 स्टैंडर्ड माइनस 1 और यहाँ पे क्या आएगा पार्ट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालना है, हमने x, ये सैंपल की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है, और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2005.2 इंटू 10^-6 -1 इंटू 1000। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी x की वैल्यू यहाँ पे 2055.3 ये लिखा है, ये मेरे पास सॉल्व है तो आप इसको सॉल्व कर लेना तो आपका ही आंसर आ जाएगा। बाद है एन एक्लोगाइड कंसिस्ट ऑफ गार्नेट 60% ऑम्फिसाइड 40% वेयर मिनरल अबंडेंस आर इन मोल परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स एम जी ऑफ एक्लोगाइड निकालना है हमें। ठीक है, 60% किसका दिया हुआ है, 60% गार्नेट का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है ऑम्फिसाइड का। ठीक है, तो एक्लोगाइड में दोनों की सेम ही रेशियो रहने वाली है अगर आपको सब फॉर्मूला पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 60/100 इंटू ऑफिसाइड की वैल्यू गार्नेट के लिए क्या दी हुई 0.5 प्लस 40/100 इंटू 0.75 किसके लिए दिया हुआ, ऑफिसाइड के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स एम जी का 0.60। तो लास्ट वन इज अ हर्सबर्ग गाइड कंटेन प्योर फॉस्फेराइट एंड प्योर एसिडाइट इन अ मॉलिकुलर रेशियो ऑफ 60 मोल परसेंटेज ऑफ एम जी ओ इन द रॉक। ओके, तो सबसे पहले हम फॉस्फेराइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉस्फेराइट इज 2 एम जी ओ एस आई ओ टू एंड एसिडाइट इज एम जी ओ एस आई ओ टू। ठीक, अब इसकी रेशियो क्या दी हुई है, 60% दी हुई है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू 60 और बाकी क्या बच गया, 40% रह गया ना, तो 1/2 इंटू 40, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2/3 इंटू 60 प्लस 1/2 इंटू 40, तो यहाँ पे आंसर आया है 0.6। और अगर वेट मोल परसेंटेज में पूछा गया तो 100 से अगर हम करेंगे तो विल बी 60%। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वी विल solve some hydrology numericals. So till then, do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching.